आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप ग्रेड कार्ड में अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जून 2024 के एग्जाम का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है तो उसमें किस तरीके से आपको आपके जो थ्योरी एग्जाम के मार्क्स हैं जब वो ग्रेड कार्ड में आते हैं तो उन मार्क्स को और असाइनमेंट के मार्क्स को किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है तो अगर हम यहां पर देखें तो मान लीजिए कि आपके तीन सब्जेक्ट हैं उनमें किस तरीके से मार्क्स आपको निकालने हैं मान लीजिए आपके असाइनमेंट में सेवेंटी मार्क्स हैं थ्योरी में सिक्सटी मार्क्स है आपके सब्जेक्ट बी में असाइनमेंट में फिफ्टी मार्क्स हैं थ्योरी में एट्टी मार्क्स है और सी सब्जेक्ट है जिसमें सिक्सटी फाइव और सेवेंटी जो यहाँ पर रैंडम तरीके से मैंने कुछ मार्क्स दिए हैं कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि इग्नू के अंदर आपके थ्योरी के जो एग्जाम होते हैं उनकी सेवेंटी परसेंट वेटेज होती है और असाइनमेंट के मार्क्स की थर्टी परसेंट वेटेज होती है इसका मतलब यह है कि आपके सब्जेक्ट ए में असाइनमेंट में अगर सेवनटी मार्क्स आए हैं तो इसकी वेटेज थर्टी परसेंट यानी कि जीरो पॉइंट थ्री से हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा असाइनमेंट के जो मार्क्स है उनको जीरो पॉइंट थ्री से आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो वो आ जाएगा आपका ट्वेंटी वन और थ्योरी है सिक्सटी इंटू जीरो पॉइंट सेवन क्योंकि आपका सेवेंटी परसेंटेट वेटेज है तो आपको जीरो पॉइंट सेवन से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपके सब्जेक्ट ए के मार्क्स आ गए असाइनमेंट में ट्वेंटी वन और थ्योरी में फोर्टी टू तो अब आप निकाल लीजिए कि आपके सब्जेक्ट ए में असल में कितने मार्क्स है यानि ट्वेंटी वन प्लस फोर्टी टू कर लीजिए सिक्सटी थ्री यानी कि आपके टोटल मार्क्स हंड्रेड में से सिक्सटी थ्री है तो इस तरीके से ग्रेड कार्ड में जो आपके मार्क्स लिखे जाते हैं उनको इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है अब हम अगर सब्जेक्ट बी के बारे में बात करें उसमें असाइनमेंट में आपको पचास नंबर मिले और थ्योरी में मिले एट्टी मार्क्स तो फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट थ्री आपके पंद्रह मार्क्स आए असाइनमेंट में तीस में से और आपके फिफ्टी सिक्स मार्क्स आए हैं 70 में से आपके जो थ्योरी एग्जाम है उसमें इनको एड कर लीजिए और आपके सब्जेक्ट बी में, में सौ में से सेवनटी वन मार्क्स आपके आए हैं उसके बाद आगे अगर हम देखें तो सब्जेक्ट ए जो है हमारा उसमें सिक्सटी थ्री मार्क्स है बी में सेवेंटी वन आ चुके हैं सब्जेक्ट सी को भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं आप चाहे तो इसको खुद भी निकाल कर देख सकते हैं कि असाइनमेंट में सिक्सटी फाइव है तो जीरो पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो नाइनटीन पॉइंट फाइव और सेवनटी मार्क्स जीरो पॉइंट सेवन से किया तो फोर्टी नाइन यहां पर जो पॉइंट्स होते हैं यानी कि पॉइंट में अगर आपके नंबर आ रहा है जीरो पॉइंट थ्री या जीरो पॉइंट सेवन से मल्टीप्लाई करने पर तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको सिंपल राउंड ऑफ कर देना यानी कि 19.5 पॉइंट प्लस फोर्टी आपके सिक्सटी एट पॉइंट तो ये 69 मार्क्स हो जाते हैं अगर ये 68.4 होता है यहां पर तो आपके 68 ही रह जाते हैं आप जानते हैं कि पॉइंट से ऊपर की जितनी भी डिजिट होती है तो उसमें वो बढ़ जाता है और अगर 0.1234 हो तो उतने पर ही रहता है यानी कि 68.5 है तो 69 हो जाएगा आपका परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते कि आपने जो मार्क्स ऑप्टेन किए हैं डिवाइडेड बाय जितने टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ था इंटू हंड्रेड तो ए प्लस बी प्लस सी में आपके 203 मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय तीन एग्जाम थे तो 300 आपके 203 सौ तीन बाय तीन सौ इंटू परसेंट इस तरीके से आपके 10 सब्जेक्ट है तो 1000 मार्क्स हो गए 20 सब्जेक्ट है तो 2000 मार्क्स का हो गया आपका एग्जाम उस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के मार्क्स इस तरीके से निकालने और आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी सिक्सटी है इसका मतलब फर्स्ट डिवीजन है सिक्सटी परसेंट से ऊपर हर स्टूडेंट जो होता है वो फर्स्ट डिवीजन उसको मिलता है इस तरीके से आप अपने जो मार्क्स हैं उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं आपके ग्रेड कार्ड में एड किए गए हैं आपकी क्या परसेंटेज बन रही है और क्या आपकी डिवीजन बन रही है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर